ये तीनों हो गए थे, ये भी पूरा बता दीजिए, यहाँ से बताना है। ठीक है, इसके लिए पहले अपन यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं। एम एस वर्ड में पैराग्राफ लेने का आपका फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पे एक्सपर लगाते हैं आर ए एंड डी रैंक, सबके साथ नाइन से ब्रैकेट होता है, जीरो से क्लोज, एंटर करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे पैराग्राफ आ जाता है। इसमें ऑप्शन है यहाँ पे आपका, एक ऑप्शन होता है डिक्रीज इंडेंट, एक होता है इंक्रीज इंडेंट। अब इंडेंट क्या होता है, इंडेंट आपका होता है ये पैराग्राफ जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ, पैराग्राफ में जो आपने टेक्स्ट यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि आप देखिए, अपन ने इतना इतना पैराग्राफ यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब इतना ही सिलेक्ट किया है अपन ने, इतने टेक्स्ट हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब अपन यहाँ से क्लिक कर रहे हैं ये इंक्रीज इंडेंट, देखिए इंडेंट आपका इंक्रीज हो रहा है, तब इंक्रीज होने पर कर क्या रहा है, इंक्रीज होने पर इंडेंट करता है। आपका जो यहाँ पे मार्जिन सेट है, अपन इसको कंट्रोल जेड करते हैं, आप देखना आपका मार्जिन यहाँ पे सेट है, इससे ज्यादा टेक्स्ट आपकी आगे टाइप नहीं होती, नहीं होती क्योंकि इसका मार्जिन सेट है। यहाँ पे मार्जिन अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी तो आपका मार्जिन यहाँ पे डिसाइडेड है कि न इससे पहले टाइप होता है न इसके बाद। तो आपका इंक्रीज इंडेंट क्या करता है, आपने इतना पैराग्राफ सिलेक्ट किया, आप इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करें, ये इंडेंट इंक्रीज होने के बाद उस तरफ जाएगा, और जब ये इसके आगे नहीं जा पाए वो इंडेंट आपका कहाँ मिलाएगा, नीचे, देखिए ऑटोमेटिक नीचे आ रहा है ये, ठीक। और अगर आप डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होने पे इस तरफ आएगा, इस तरफ आने के क्या होगा, देखिए इससे ज़्यादा आगे नहीं जा रहा, मार्जिन से इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का आप यहाँ से यूज कर लेते हैं। इंक्रीज इंडेंट करिए, देखिए नीचे लिखा रहा मूव योर पैराग्राफ फार्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन, जब तक आपका मार्जिन सेट है वहां तक तो ये आपका इंक्रीज करेगा, उसके आगे नहीं करेगा। ऐसे ही आपका डिक्रीज में लिखा रहा, देखिए लिखा मूव योर पैराग्राफ क्लोजर टू द मार्जिन, जब तक मार्जिन क्लोज नहीं होता जब तक तो ये डिक्रीज होगा, उसके बाद डिक्रीज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें आपका यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, अगर आप इनके बीच में स्पेस नहीं रखना चाहते, जैसे अपन ने यहाँ क्लिक किया, इसके ड्रॉपडाउन एरो पे क्लिक किया, देखिए स्पेस ज्यादा होगा ये, आप इन लाइन के बीच में कितना स्पेस यहाँ से रखना चाहते हैं, देखिए यार आप 1.0 कर देंगे तो कम हो जाएगा, अगर आपने 2.0 कर दिया, देखिए बढ़ गया, सिर्फ किसका बढ़ा, इस वाले पैराग्राफ, क्योंकि अपना कर्सर कहाँ पे था, इस पे था, देखिए अगर आप इसे ज्यादा बढ़ाना चाहते तो यहाँ से ये ज्यादा बढ़ जाएगा। इसमें ऑप्शन होता है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें आपको ऑप्शन देता है यहाँ पे इंडेंट एंड स्पेसिंग, ये वही ऑप्शन है अभी आप लोगों ने यहाँ पे अलाइनमेंट वाला ऑप्शन पढ़ा, आपको लेफ्ट में रखना है सेंटर में राइट में, वो पूरे ऑप्शन आ जाएंगे आपके। इंडेंट आपको लेफ्ट में कितना रखना है, अभी अपन ने ऑप्शन पढ़ा था ज्यादा, इंक्रीज और डिक्रीज वही ऑप्शन आपका यहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में कितना रखना है आपको, राइट में कितना रखना है। फिर ये पूछ रहा है आपसे स्पेस, यहाँ पे आ रहा है लाइन स्पेस, आप लाइन के बीच में कितनी स्पेस रखना चाहते हैं, अपन ने कर दिया डबल। अब जैसे ही आप ऐसे ओके करेंगे, देखिए लाइन के बीच में डबल स्पेस आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे इसमें किया है सिंगल, अब आप ओके कर दिए, देखिए सिंगल स्पेस आ रहा, कम हो गया यहाँ पे स्पेस, आप यहाँ से इसका स्पेस सेट कर सकते हैं, आपको कितना ज्यादा रखना है या कितना कम करना है। अगर आपने यहाँ से कर दिया मल्टीपल, अब 3 आ रहा, अपन इसको यहाँ पे 5 भी कर सकते हैं, जितना आप ज्यादा रखना चाहें, ओके कर दीजिए। देखिए अब मल्टीपल में 5 की जितना स्पेस आ रहा जितना अपन ने सेट किया, मतलब आपको समझ में, आपको लाइन का स्पेस जितना सेट करना है आप कर सकते हैं। इसके बाद ये तो हो गया आपका लाइन स्पेस, यहाँ से आप लाइन स्पेस सेट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन आ रहा है बिफोर और आफ्टर, सेम ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, मतलब कि आप देख रहे हैं दो पैराग्राफ है, दोनों पैराग्राफ के बीच में आपको स्पेस देखने को मिल रही है, स्पेस है, आप चाहते हैं इन दोनों पैराग्राफ के बीच की स्पेस रिमूव हो जाए, तब आपने इस वाले पैराग्राफ पे क्लिक किया, सेकंड वाले पे, ऊपर और सेकंड दोनों की हटाना। अब आप इससे ड्रॉप डाउन एरो पे जाइए, यहाँ से आप क्लिक करेंगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, देखिए इसके बाद वाले ही हटे। अगर आप यहाँ से फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं, जैसे कि अभी अपन यहाँ से कर रहे हैं, आफ्टर मतलब क्या होता है, बाद होता है, बिफोर मतलब पहले होता है, ये आपने इस पर क्लिक कर दिया एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, देखिए इसके बाद एड होगा,
अगर आप इसे रिमूव कर देंगे तो देखिए इन दोनों पैराग्राफ के बीच की स्पेस रिमूव हो जाएगी। ऐसे इसमें करना है आप यहाँ से इस पर क्लिक कर देना, ऐड करना है तो ऐड हो जाएगी। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो ये रिमूव हो जाएगी। जिस भी टाइप से आप अप्लाई करना चाहते हैं आप इन दोनों ऑप्शन से अप्लाई कर सकते हैं। आ जाएगा आपको येलो ऑप्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें आपका यहाँ पे ये रहता है आपका सॉर्ट, इस पर आप क्लिक करते हैं इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसका यूज क्या है, इसका यूज है जैसे कि अपन इसमें से ये टेक्स्ट हटा देते हैं, अपन यहाँ पे नॉर्मल कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे अपन किसी पर्सन के नाम लिख लेते हैं। अपन ने यहाँ पे लिखा अजय, सोहन, मोहन, राम, श्याम, इस टाइप से आप यहाँ पे कुछ नाम टाइप कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं आपको पता है ये नाम ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। आपने तो अभी नाम पे नाम टाइप कर दिए, अब आप इसे अरेंज करना चाहते हो, ये आपका ए से जेड में आ जाए, तब आप क्या करेंगे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपसे यह पूछ रहा आपके पैराग्राफ है हेडिंग है या फील्ड है। अभी आप लोगों ने यहाँ पे हेडिंग और फील्ड नहीं बनाई है, अभी अपन नॉर्मल पैराग्राफ की बात करते हैं। अपन ने इसको किसमें ले लिया, पैराग्राफ। फिर आपसे यह पूछ रहा है टाइप, टाइप में पैराग्राफ में आपके पास क्या है, टेक्स्ट है, नंबर है या डेट है। अपने पास क्या है, टेस्ट, टेस्ट है अपने पास। अब आपसे पूछ रहा है आप असेंडिंग रखना चाहते हैं या डिसेंडिंग। अगर आप असेंडिंग पे क्लिक करते हो तो देखिए ए से जेड में आगे, ए के बाद बी, बी के बाद फिर एम था इसमें, एम के बाद टी आर एस, ऐसे ही है। अगर अभी आप इसे यहाँ से कर देते हैं डिसेंडिंग और ओके कर देंगे तो ये जेड से में आ जाएगा, मतलब असेंडिंग में ए टू जेड आएगा, डिसेंडिंग में जेड टू ए आएगा। अब जैसे आपने यहाँ पे इसमें नंबर लिख लिया, हमने यहाँ पे नंबर टाइप कर दिए, नंबर लिखे, अब इसको सिलेक्ट करेंगे। अब अपन यहाँ पे जाएंगे, अब इसमें देखिए उसने ऑटोमेटिक ले लिया, आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है। अब उसने क्या ले लिया टाइप में, नंबर। अब नंबर, अब आपसे पूछ रहा है नंबर आपको असेंडिंग में चाहिए या डिसेंडिंग में। अपन को असेंडिंग में चाहिए, अपन ओके कर देंगे। देखिए ऑटोमेटिक करेंगे हम 1 से लेके 8 तक। अगर आपको 8 से 1 में चाहिए आप डिसेंडिंग में क्लिक कर देना और ओके कर देना, 8 से 1 में आ जाएगा। अब डिपेंड करता है आपको किस टाइप से लेना है, कर लेंगे आप। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपको यहाँ पे सेडिंग, इसके लिए अपन पैराग्राफ ले देते हैं। जैसे आपने यहाँ पे टेस्ट ले ली, अब आप कहीं जैसे आपने इतना इतना टेस्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया, आप सेडिंग के ड्रॉप डाउन एरो पे जाके इसमें यहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं, जितने में फिल हो रहा है जितना अपन ने सिलेक्ट किया है। अगर आपने सिर्फ यहाँ पे कर्सर रखा हो, अब आप सेडिंग पे फिल करिए तब भी कितना फिल हो रहा है, जिस पैराग्राफ पे अपना कर्सर, अगर आप चाहते इन दोनों में साथ में हो जाए तब आप क्या करेंगे, इन दोनों पैराग्राफ को साथ में सिलेक्ट कर लेंगे। सेडिंग पे जाके आप इसमें यहाँ पे कलर सेट फिल कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे फिल करना है। अब आप देखिए अभी यहाँ पे आ रहा है थीम कलर, यहाँ पे आ रहे हैं स्टैंडर्ड कलर, देखने को मिल रहा है आप लोग को। आप जो भी कलर फिल करना चाहते हैं आप सिलेक्ट करते हैं। अगर अपन ने कलर फिल कर लिया, बाद में नॉर्मल करना चाहते हैं अपन इसको, देखिए अभी कलर फिल हो गया यहाँ पे। अब नो कलर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे सिलेक्ट करेंगे, सेडिंग के ड्रॉप डाउन एरो पे जाके नो कलर पे क्लिक कर देंगे, है ना। अब इनके बीच में आपको और कोई सा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, नहीं यार। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, मोर कलर। आप जैसे ही मोर कलर पे क्लिक करेंगे आपके सामने कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। आपसे यहाँ पूछ रहा है आप स्टैंडर्ड कलर लेना चाहते हैं या कस्टम। कस्टम कलर में आपको कलर का मॉडल भी देता है और आपको बताता है कौन सा कलर कितना फिल हो रहा है। स्टैंडर्ड कलर में सिर्फ आप यहाँ पे न्यू और करेंट कलर दे सकते हैं। जैसे अभी आप न्यू कलर इसमें ले रहे हैं, जैसे कि माना आपने ले लिया ये वाला, सिलेक्ट किया, देखने को मिलता करेंट में ब्लैक था वो बता रहा। अब आपने ये कलर लिया, इसको ओके कर दिया, देखिए अभी आपका फिल नहीं आया। अपन इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं, सेटिंग पे चलते हैं, देखिए अब फिल तो हुआ है। अब आपको बता नहीं देगा कि अपन ने कलर कौन सा लिया है, वाइट, ठीक। अब हम ये ले लेते हैं, इसको सिलेक्ट करके ओके करते हैं, देखिए फिल हुआ। अगर आप वाइट कलर ले लेंगे फिल तो हो जाएगा, वाइट पे वाइट आपको दिखेगा नहीं, अपन को क्या लगेगा फिल नहीं। इस तरह से अब देखिए आपने दो कलर सिलेक्ट किए थे, पहले आपको यहाँ पर रिसेंट कलर का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा था, अब ऐड हो गया।